दोस्तों कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है और उससे रिलेटेड बुक्स मैंने अपने फेसबुक पेज @AtulKumarSharma09 पर डाल दी है। अमेजॉन की लिंक शेयर की है जिन्हें आप मंगा सकते हैं। 5 दिन में ये बुक्स अपने आप में बेस्ट हैं जो आपको सफलता के बहुत करीब ले जाती है। दोस्तों कोई भी छोटी छोटी न्यूज हो या बड़ी न्यूज हो मैं हमेशा आपके पास लाता हूँ। ऐसी न्यूज आज मैं लेकर आया हूँ। बहुत से भाई बहनों की ये शिकायत थी कि सर हमारे जो प्रवेश पत्र हैं यानी एडमिट कार्ड वो अभी तक डाउनलोड क्यों नहीं हुए। साथ में बहुत से भाई बहनों ने ये कहा कि हमारे एडमिट कार्ड तो आ गए हैं सर लेकिन उस पर सेंटर का नाम शो नहीं हो रहा है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है। तो आज का वीडियो इसी बारे में है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और तथ्यों के आधार पर दूंगा। मैं बात करूंगा दैनिक भास्कर की आज के अखबार की, तो उसमें क्या न्यूज छपी है और इसमें क्या बताया गया वो मैं आपके सामने आज बताने जा रहा हूं। तो बिल्कुल आप ध्यान से सुने एक एक पॉइंट। तो आज का ये अखबार है दैनिक भास्कर जो कि ग्वालियर से निकलता है, ग्वालियर का एडिशन है और इसकी जो दिनांक है वो है आपके 28 जनवरी 2019। ग्वालियर सोमवार 28 जनवरी 2019 का ये न्यूज़पेपर है और पेज नंबर 6 पर ये न्यूज आपकी छपी हुई है। इसकी जो हेडलाइंस है वो है 1 से शुरू होने वाली उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। ठीक है, अब इसमें जिनकी पहले एग्जाम होनी है उनके प्रवेश पत्र पहले आ गए हैं और जिनके एग्जाम बाद में होनी है उनके प्रवेश पत्र सोमवार और मंगल को आ जाएंगे, इस न्यूज में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ इसमें ये भी हवाला दिया गया कि बहुत से लोगों के सेंटर नहीं दर्शाए गए हैं, तो उसका क्या कारण है वो मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज सुना देता हूं क्या लिखा है। इसमें लिखा है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए 10 विषयों में उम्मीदवार के प्रवेश पत्र जारी कर दिए। अन्य 5 विषयों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के सोमवार मंगल में प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। इसके पीएबी के अनुसार 4 और 8 फरवरी को छोड़कर यह परीक्षा 1 से 11 फरवरी तक होगी। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है दोस्तों। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि बहुत से लोगों के जो प्रवेश पत्र जारी हुए उनके सेंटर के नाम नहीं आए, जैसे कि उसमें भोपाल सेंटर लिखा है लेकिन किस पर्टिकुलर सेंटर पर आपके एग्जाम होंगे वो उसमें नहीं दर्शाया गया। बहुत से भाई बहनों के ग्वालियर लिखा है लेकिन किस सेंटर पर उन्हें जाना है वो नहीं दर्शाया गया, तो उसके बारे में इसमें क्या लिखा है आप ध्यान से सुने। इनमें शहर का नाम बताया गया है, सेंटर का नाम नहीं बताया गया, 3 दिन पहले बताया जाएगा। इतिहास, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, होम साइंस और उर्दू के प्रवेश पत्र अभी तक जारी नहीं हुए हैं जो कि आज हो जाएंगे या कल में हो जाएंगे। तो इनके सेंटर के नाम इसलिए नहीं बताए गए हैं जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बताया है कि आपके जब एग्जाम होगा उससे 3 दिन पहले आपको सेंटर का नाम बताया जाएगा। ये गुप्त रखा गया। क्यों रखा गया? बहुत से कारण है कि इसमें आपको ये मालूम ना पड़ जाए कि आपके सेंटर कहाँ पर है, तो वो गुप्त रखा गया, वो आपको 3 दिन पहले बताएंगे। इसके अलावा बहुत से लोग थे जो कि कुछ गलत नियम तरीके अपनाते थे एग्जाम में पास होने के लिए, तो वो उन्हें वो सेंटर का नाम पता नहीं चलना चाहिए। 3 दिन पहले पता चलेगा तो उसमें वो भी नहीं कर पाएंगे कुछ और सेंटर वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे और किनकी ड्यूटी लगेगी उन्हें भी पता नहीं होगा। यानी इस बार इतनी एहतियात बरती गई है, यानी इतनी खुफिया तरीके से और बिल्कुल भी सही तरीके से काम किया जा रहा है कि जो मेहनती लोग हैं उनके साथ 1% भी नाइंसाफी ना हो। बस जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, जो पॉजिटिव हैं, जिन्होंने मेहनत की है उन्हें ये जॉब मिलनी चाहिए, बस इतना है। तो इसमें पूरा खुफिया काम किया गया है, किसी को पता नहीं किसकी ड्यूटी लगनी है, कौन सा सेंटर है, किस सेंटर पर कौन से जो स्टूडेंट हैं वो एग्जाम देंगे। सिर्फ 3 दिन बाद पहले ये खुलासा होगा और अब तभी आपके सेंटर का आपको नाम पता पड़ेगा। पहले ऐसा होता था कि आपके जैसे ही प्रवेश पत्र डाउनलोड हुए सेंटर का नाम लिख दिया जाता था। इसमें क्या होती थी कि जो सेटिंग करने वाले थे वो कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पूरा की पूरा आपका पारदर्शिता बरती जा रही है और जो चीज में जहां पर भी कोई दिक्कत है वो पूरी क्लियर की जा रही है। यानी कि इस बार जो एग्जाम है वो बिल्कुल सही किया जा रहा है और इस हिसाब से आपके 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड पर ये आपका सेंटर शो होगा और यहाँ पर किन किन की ड्यूटी लगी है उन्हें भी तभी मालूम पड़ना है। तो ये पूरा खुफिया है, इसलिए ये एहतियात बढ़ती जा रही है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा है आप सभी के लिए, क्योंकि मेरे YouTube से जितने भी जुड़े हैं काफ़ी मेहनती हैं, एक गरीबी की दौड़ से निकल कर BA DEd करने वाले हैं और इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही किया मेरे हिसाब से। आप लिखें कमेंट बॉक्स में कि ये सही है कि नहीं है। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी कि 3 दिन पहले ही आपको पता पड़ना है या सबको ही पता पड़ना है कि उनका सेंटर कौन सा है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आप सब पढ़ने वाले हो, मेहनत करने वाले हो, बस अब आपको ये है कि 100% अपना देना है। साथ में क्या चल रहा है दोस्तों कि बहुत से
भाई बहनों को अभी भी भ्रमित किया जा रहा है अतिथि शिक्षकों के नाम से डराकर। अतिथि शिक्षक अपनी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, पूरा मैटर अलग है, उनकी पे स्किल सब कुछ अलग है, लेकिन कहाँ जोड़ दिया गया, आपके एग्जाम से। एग्जाम से क्यों जोड़ दिया गया, क्योंकि इस समय आपके एग्जाम 1 तारीख से होना है, उन्हें पता है। यहाँ पर यदि वो ये बात कहते हैं कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग और आपकी जो परीक्षा उससे निरस्त किया जाएगा, तो आप उस वीडियो को देखोगे, व्यू मिलेंगे, तो वो ये मौका छोड़ना नहीं चाह रहे। इससे होता क्या है कि आपका जो फोकस होता है वो कुछ ना कुछ टूटता है, कुछ ना कुछ मन में ये आता है कि हमारे एग्जाम कैंसिल ना हो जाए। ये एग्जाम बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होने, अतिथि शिक्षक को नियमितीकरण अलग बात है, सरकार ने वादा किया है, पोस्ट है बहुत खाली है, क्योंकि आपकी जो भर्ती हो रही है वो आधी पोस्ट पर भी नहीं हो रही, आधी से कम पोस्ट पर हो रही है। यहाँ पर मैं अतिथि शिक्षक को नियमितीकरण की बात करता हूँ, तो लोग ये सोच सकते हैं कि सर आप खुद अतिथि शिक्षक हैं, तो ना मैं कभी अतिथि शिक्षक था ना अभी हूँ, ठीक है। तो उनका मैटर अलग है, गवर्नमेंट से वो मांग कर रहे हैं, लेकिन वो मैटर आपसे जोड़ दिया जाता है जिससे कि हमारे जो वीडियो है उस पर व्यू हाई हो जाए। ये सबसे मैं समझता हूँ कि ऐसे चैनल वालों को तो भगवान ही उन्हें कुछ ना कुछ करेगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना है कि मैं अपनी वीडियो में इस बात का हमेशा खंडन करता रहा हूँ और करता रहूँगा कि आपके एग्जाम कैसे भी कैंसिल नहीं होने, 100% कैंसिल नहीं होने, एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अभी ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि आपके जो सेंटर हैं वो शो नहीं हो रहे हैं, तो इसका कारण है कि आपके एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। ये खुफिया इसलिए रखा गया है कि कोई भी सेटिंग ना कर सके। 3 दिन पहले आपको सेंटर का नाम पता चल जाएगा, यदि आपका 1 तारीख को एग्जाम है तो उससे 3 दिन पहले आपको सेंटर का पता चलेगा, किसी का 7 तारीख को एग्जाम है तो उसको 3 दिन पहले सेंटर का पता चलेगा, ये है, ठीक है। और जिनके पहले एग्जाम होने उनके प्रवेश पत्र पहले डाउनलोड होंगे, और जिनके एग्जाम बाद में होने उनके प्रवेश पत्र बाद में डाउनलोड होंगे। फिलहाल तो ये बताया गया कि सोमवार और मंगल को सारे ही प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएंगे, लेकिन उन प्रवेश पत्र पर आपको सेंटर का नाम शो नहीं होगा। सिटी का नाम शो हो जाएगा किस शहर में, लेकिन सेंटर का नाम शो कब होगा, जब आपके 3 दिन बचेंगे एग्जाम के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा सा अपडेट था, और आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा तो वो एक अलग चीज है, और आपकी जो भर्ती हो रही है रेगुलर वो एक अलग चीज है। आप दोनों को आमने सामने कर दिया है, ना तो ये गवर्नमेंट ने किया है, ना न्यूज़पेपर ने किया है, ना मीडिया ने किया है, सिर्फ यूट्यूब के चंद लोग, गिने चुने चंद लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाने में दिक्कत आती है। बहुत से यूट्यूबर हैं जो आपको ऑनलाइन कोचिंग क्लास दे रहे हैं, उन पे नॉलेज है, जब वो ऑनलाइन आपको कोचिंग क्लास दे रहे हैं आपको वो पूरे नोट्स तैयार करवा रहे हैं, आपको कैसे एग्जाम देना है उस बारे में बता रहे हैं, मोटिवेटेड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास वो टैलेंट है पढ़ाने का, वो उसका यूज कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अनटैलेंटेड हैं, जो उसमें ही नहीं आते, उन्होंने कभी ना बीएड डीएड किया है, ना वो कभी शिक्षक रहे हैं, ना उनमें इतनी योग्यता है कि वो प्राइवेट में भी जाकर पढ़ा सकें, उनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनमें यह है कि उनमें एक टैलेंट है भ्रम फैलाने का। तो वो भ्रम फैलाते हैं अतिथि शिक्षकों को, और जो नियमित शिक्षक भर्ती हो रही उन दोनों को आगे करते हैं और अपने व्यू कमाते हैं, क्योंकि उनके पास यही एक टैलेंट बचा, इसके अलावा उनमें कोई टैलेंट नहीं है। वो बिल्कुल सामने आकर आपसे बातचीत नहीं कर सकते, उनमें इतना भी टैलेंट नहीं है कि एक वीडियो बना सकें कैमरा के सामने बोलकर, तो उनमें कोई भी नहीं है। आप देखोगे ना तो आपकी जो योग्यता है ना उसकी आधी योग्यता भी उनमें नहीं होगी। आप जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो आपको नोट्स दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको इस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें वो योग्यता है, लेकिन इनमें वो भी योग्यता नहीं है। तो इन्हें अपने चैनल पर व्यूज तो लाने हैं, सब्सक्राइबर तो बढ़ाने हैं, तो क्या बचता है? वही बचता है कि भाई नियमित शिक्षकों का नियमितीकरण हो गया जो अतिथि शिक्षकों का, तो नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, और जो नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है तो अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं होगा। दोनों के पे स्केल अलग हैं, दोनों के नियम अलग हैं, दोनों के सब कुछ अलग है, लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ दिया और एक थंबनेल बनाकर डाल दिया और आप में भ्रम फैला दिया। इनका कुछ होना नहीं है। आप देखोगे जैसे ही आपके एग्जाम हो जाएंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगी, इनके पास तो कोई मैटर ही नहीं बचेगा वीडियो बनाने के लिए। फिर ये किस पे भ्रमित करेंगे? फिर ये हो सकता है कि कुछ और कंपटीशन जो होते हैं उन्हें कैंसिल कराने पर पड़ जाए, लेकिन इनके पास वाकई में कोई काम नहीं है, सिर्फ फालतू भ्रम फैला रहे हैं। उन यूट्यूब को सलाम जो आपको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, जो आपको नोट्स बनाकर दे रहे हैं, जो आपको मोटिवेटेड कर रहे हैं। मैं उन सब यूट्यूब को धन्यवाद दूंगा कि हम सब इनको जरूर आपको सबको जॉब मिले, और यही हम सब यूट्यूबर्स की वो है, एक प्रयास है, और मेरा भी ये प्रयास है। मेरा प्रयास ये नहीं है कि चैनल पर व्यू या सब्सक्राइबर पढ़े, सिर्फ एक प्रयास है कि आपको एक जॉब मिल जाए, आपने वाकई में मेहनत की है। जो इस मेहनत की कदर समझता होगा ना, वो आपको अभी नोट्स देगा, आपको अभी मोटिवेटेड करेगा, सब चीजें देगा, लेकिन जो आपकी इस टैलेंट की
कदर नहीं कर रहा ना, वो फालतू में भ्रम फैलाता ही रहेगा। डेली आपके जब एक महीने एग्जाम आगे बढ़े हैं, डेली माने 30 दिन में 30 बार आपकी ये जो एग्जाम है वो कैंसिल कराई गई है दोस्तों। ये तो आप भी देखते होंगे और आप भी समझते होंगे, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहें, जो भी कहें वो कम है और आप खुद ही समझते हैं। हम एक वीडियो बनाते हैं, वो शिक्षा जगत से जुड़े लोगों के सामने जा रहा है। शिक्षा जगत से जुड़ा लोग कितने समझदार होते हैं, हर एक बात को समझते हैं, उन्हें आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो यूट्यूबर तो मैं समझूंगा कि एक तरह से उसमें कोई टैलेंट भी नहीं है, और साथ में सबको ये सोच रहा है कि मैं जो कहूँगा वो सब मान लेंगे, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये शिक्षा जगत से जुड़े लोग हैं, युवा लोग हैं, ये सब समझते हैं। ये आपकी आंखों में पढ़कर बता देंगे कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। तो जितने भी भ्रमित करने वाले हैं ना, प्लीज़ अभी भी संभल जाएं, क्योंकि अभी मौका है आपके पास। और यदि आप सब्सक्राइबर और व्यू के चक्कर में रहे ना, तो एक दिन आपका चैनल ऐसा डाउन होगा कि आपका पता भी नहीं पड़ेगा कि यूट्यूब पर कभी आपका अस्तित्व था भी। तो जो बिल्कुल आपकी तैयारी करा रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग क्लास दे रहे हैं, उन सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप भी सजगता रहें कि ऐसे जो लोग भ्रमित फैला रहे हैं उन पर ऐसी वीडियो बनाएं। और हमारे जो ये बेचारे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं, इतने दिनों से वेट कर रहे हैं, उनका साथ ऐसे ही देते रहें। ये वीडियो ऐसा ही था, कुछ शेयर करना था, कुछ बताना था। आपको अच्छे लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। आपने ये वीडियो को इतना समय दिया उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।